उत्तर प्रदेश सब उत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ चला है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और अन्नदाताओं की आमदनी को में वृद्धि के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वह सारे कार्यक्रम कहीं से भी प्रभावित न होने पावे उसके लिए जरूरत के अनुसार अनुपूरक लाया जाता है। अभी इस वित्तीय वर्ष के कोई बहुत लंबे समय नहीं बीते, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उसमें कहा कि अभी खर्च बहुत कम हुआ है, ये 31 मार्च तक खर्च किए जाने की व्यवस्था है और हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जो बजट का प्राविधान है और बजट के माध्यम से जो विकास की कार्ययोजना है और उस कार्ययोजना को धरातल पर उतारा जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि हम सब उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अयोध्या भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि है तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और काशी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान तथागत बुद्ध से जुड़े हुए, चाहे वह कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, सारनाथ हो, कौशाम्बी हो या फरुखाबाद जनपद के संकिसा का